चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित 5 दिवसीय प्रदर्शनी में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट निर्माताओं से मुलाकात करके उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े राजस्थान के उद्यमियों ने सांसद राजेंद्र गहलोत को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रदान की। ग्रेटर नोएडा स्थित एक्सपो मार्ट में देश के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प एक्सपोर्टर्स भागीदारी कर रहे हैं। इस दौरान सांसद ने पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान की जानकारी भी साझा की। इस दौरान एक्सपोर्टर्स ने सांसद को कारोबार में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। सांसद ने कहा कि उनका इस प्रदर्शनी में आने का उद्देश्य प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के साथ ही उनकी समस्याओं को जानना है, ताकि सरकार और संबंधित मंत्रालयों तक उद्यमियों की आवाज पहुंचाई जा सके। हैंडीक्राफ्ट और देश भर से आए हुए हैंडीक्राफ्ट के व्यवसायी उद्यमी आज यहाँ प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए हैं, ये देखने के लिए और इन सब से मिलने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैंडीक्राफ्ट के अंदर और राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट में किस तरह का हमारी देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग है। मुझे आकर जानकारी मिली कि 52,000 करोड़ से भी अधिक हैंडीक्राफ्ट के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसके साथ ही हैंडीक्राफ्ट के जो व्यवसायी हैं, जो उद्यमी हैं, उनकी समस्याओं के बारे में मेरा इनसे विचार विमर्श हुआ जानकर, और सरकार को सरकार के समक्ष रखने के लिए मैंने बात की है कि मैं टेक्सटाइल मंत्री जी से और इससे संबंधित जो उद्योग मंत्री हैं उन सबसे बातचीत करके उनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। अरे बीच हमारे जोधपुर के सांसद, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत, आप पूर्व में राजस्थान के जलदाय मंत्री भी रहे हैं और हम सभी के मार्गदर्शक, अभी वर्तमान में जैसे ये राज्यसभा से हमारी आवाज़ को संसद तक पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं, तो आज हम लोगों के बीच में आए और इसके निमित्त इन्होंने पूछा भी हम लोगों से कि उद्योग के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ आज के दिन में पेश आ रही है, उन कठिनाइयों के बारे में बताओ। आसानी जो है वो तो सरकार को करनी थी वो कर चुकी, पर जो कठिनाइयाँ आपके कुछ बच गई है या जो अब वर्तमान में आप लोग फेस कर रहे हो उन कठिनाइयों के बारे में बताओ, जिससे हम लोग आगे तक इस विषय को रखकर और उद्योग को और कैसे आगे बढ़ाएं, जिससे बहुमूल्य जो विदेशी मुद्रा भारत में आ सके, इस नाते इस उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए आज हम लोगों से सुझाव मांगने के लिए हमारे बीच में राजेंद्र जी गहलोत आए हैं।